विंडोज ओपन करके हमें जो डिजाइन बनानी है हम यहाँ से उसको ओपन कोरिडोर में कर लेते हैं। तो मैंने पहले से ही यहाँ डिजाइन बनाई हुई है, तो मैं आपको ये डिजाइन मैंने किस प्रकार बनाई मैं आज ये आपको बता रहा हूँ। आप कृपया वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैंने यहाँ एक बॉक्स लिया है साइज के अकॉर्डिंग ही, तो मैंने यहाँ बॉक्स की साइज रखी है 5 और 6.5। तो आप भी इसी प्रकार से आप जिस प्रकार डिजाइन की साइज रखोगे उसी प्रकार से आपको यहाँ बॉक्स लेना है। तो मैंने यहाँ से बॉक्स लेके ऊपर वाला हिस्सा मैंने कैसे बनाया ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। कृपया आप वीडियो पर अगर नए हो YouTube चैनल पे तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और शेयर करें, ताकि ये वीडियो काफ़ी लंबे समय से जा रही और काफ़ी लोगों को ये सीखने को मिले। तो ये मैंने जो सेट किया है मैंने देखो दो बॉक्स लेके मैंने इसको अलग अलग पॉइंट से यानी राउंड किया। मैंने ये पॉइंट से यहाँ से राउंड किया। तो यहाँ से जो मैंने ये यहाँ से पॉइंट को राउंड लेके और यहाँ से हम इसको ऊपर से भी थोड़ा सेंट्रलाइज करके और यहाँ से भी इसको थोड़ा सा चारों तरफ से सेलेक्ट करके इसको राउंड में लेंगे। यहाँ से ये मैंने यहाँ से टूल में जाके यहाँ से सेलेक्ट करके इसको और यहाँ से मर्ज को कर देंगे, तो ये हमारा एक बॉक्स शेड के हिसाब से शेड हो जाता है। तो हम इसको इसकी जो हमने साइज ली है उसका आधा से थोड़ा कम इसको उसके अकॉर्डिंग हम शेड इसको ऊपर या नीचे सेट करके इसको ऐसे सेट कर देंगे लेंगे, ताकि जैसे हमारे को जो शेड जो है कि अच्छा लगे। और ये आधे से भाग से थोड़ा ऊपर एडजस्ट करेंगे। ये वीडियो में इस ये जो डिजाइन बनाता हूँ मैं कोरल ड्रो 13 के अंदर ही बनाई हुई है मेरी, और मैं कोरल ड्रो 13 ही ज़्यादा यूज लेता हूँ। वैसे तो 17 भी है बट मैं 17 में भी करता हूँ, बट मैंने अधिकतर डिजाइन में कोरल ड्रो 13 में ही उपयोग लेता हूँ। तो मैं इसलिए आज आपको कोरल ड्रो 13 ही में ही डिजाइन बना के बता रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ से फिल वगैरह करके और यहाँ से मैंने कलर इसका ऊपर वाला जो शेड है तो मैंने यहाँ से करके यहाँ से इनको कलर लेके यहाँ से मैंने थोड़ा सा हल्का सा ये को देके यहाँ से शेड ऐसे सेट करके यहाँ से और ये मैंने यहाँ से ये शेड तैयार कर दिया है। तो ये हमारा हो गया। तो इसी का मैंने एक डुप्लीकेट लिया और डुप्लीकेट लेके इसको हल्का से नीचे वाले थोड़ा पीला साइड दिया है यहाँ से इसके राउंड नीचे वाले हिस्से को। तो ये हमारा जो हल्का हल्का आप देख रहे हैं ना पीला पीला जो एक शेड तैयार है, तो यहाँ से ये मैंने यहाँ से इसको पीला किया। तो ये देखो ये तैयार हो जाता है हमारा ये आउटलाइन जो आप देख रहे हैं ये किस प्रकार से मैंने इसमें। तो इसी प्रकार मैंने ये नीचे वाला जो हिस्सा है तो इसको यहाँ से ये वाला हिस्सा मैंने आपको तैयार करके बताया, तो इसी को मैं सेलेक्ट कर लिया क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण मैं ये इसको पूरे उस हिसाब से सेट करूँ। मैंने आपको बता दिया है कि आप इस प्रकार से इसको बना के और यहाँ से ट्रेस करके और यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं अभी क्या वीडियो लंबा होने की वजह से मैं क्या आपको एक एक पॉइंट बता दिया जो ये जो शेड है। तो अब आप ये इसमें थोड़ा रेड येलो है तो आप ये भी इसका देखो अलग ही पार्ट है। मैं इसको इस साइड से लेके बता रहा हूँ आपको, ये देखो ये अलग ही पार्ट है और लास्ट में जो इसका बैक है जो वाइट में है। तो मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट किया कम्प्लीटली, थोड़ा सिलेक्ट नहीं हो रहा ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ सेंट्रलाइज करके और इसको ये मैंने कम्प्लीटली यहाँ से ये तैयार कर दिया है। तो ये हो गया। तो यहाँ से हमने इसको अब यहाँ से ये बेस्ट एक्स्ट्रा जो 20% है उसको हम यहाँ से थोड़ा सा इसे टच होते हुए हम बाहर की साइड रखेंगे। और ये मैंने यह पहले से यहाँ से जो कटिंग की गई मेरी फ़ोटो है तो मैंने यहाँ से यहाँ उठा के
और यहाँ मैंने इसको सेंट्रलाइज कर दिया है। तो ये यहाँ से इसको भी हम यहाँ से उठाएंगे। अब इसमें जो अंदर का जो बैकग्राउंड है इसके जैसे हम ये हम दे रहे हैं इसके अंदर देंगे जो बैकग्राउंड है, यहाँ से कलर फिल करेंगे। ये इसको थोड़ा सा जो करके यहाँ से ये कलर यहाँ से एडजस्ट करके यहाँ कॉपी करके यहाँ से ये शेड तैयार करके ये करके यहाँ से ये कम्प्लीट ये हमारा अंदर का शेड तैयार हो गया। अब हम इसके बॉटम की जो पैकेजिंग की जो पैकिंग की जो लास्ट वाला ऊपर और नीचे का जो हिस्सा होता है वो हिस्सा जो हल्का सा वो लग रहा है आपको ये शेड में किस प्रकार से बनाऊँ तो ये मैं आज आपको ये भी बता रहा हूँ। यहाँ से हम ऐसे बॉक्स लेके यहाँ से थोड़ी लंबा इसमें कर लेंगे और इनको थोड़ा सा छोटा करके इसके इसको कॉपी करके यहाँ से ये बने ये तीन कॉपी कर ली और इसको पूरा सिलेक्टेड करके यहाँ से मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से कलर का शेड ओपन यहाँ से करके यहाँ से मैंने ये ऐसे करके यहाँ से ये कलर शेड करके यहाँ से सेंट्रलाइज करके यहाँ से कंप्लीट ये जो शेड तैयार हो गया। हम इस अब इसी की कॉपी करेंगे और इसी को हम ऊपर की साइड सेट कर देंगे और टॉप टॉप में ये देखो ये यहाँ से हमने ये एडजस्ट कर दिया। इसको थोड़ा छोटा है या बड़ा अपने हिसाब से अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करते हैं। और ये मैंने जो पहले से जो इसमें मटेरियल जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ जो मैंने पहले से टाइप किया होता मैंने खाली यहाँ से उठा के यहाँ पे एडजस्ट किया है। तो आपको तो पहले टाइप करके और एडजस्ट करना होगा क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इस वजह से मैंने यहाँ से पहले से ही लिया। तो ये सेट मैंने जो यहाँ से दे रखा है तो मैंने यहाँ से ये कॉपी करके और इसको मैंने ऊपर की साइड मैंने पेस्ट करके यहाँ से पेस्ट कर लिया और यहाँ से क्लिप पावर क्लिप में जाके यहाँ से ये पावर क्लिप में जाके यहाँ से इसको अंदर की साइड सेट कर दिया। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे यहाँ से थोड़ा नीचे लेंगे ये देखो यहाँ से हमने ये ले लिया। इसका थोड़ा सा और थोड़ा डिफरेंट लग रहा है तो हम यहाँ से वापस थोड़ा सा नीचे और लेंगे ये यहाँ से ये मैंने ये ऐसे लिया और ये देखो ये कम्प्लीटली ये तैयार हो गया अपना इस हिसाब से। तो ये है कि हमारी जो डिज़ाइन है जो कम्प्लीटली तैयार हो जाती है। अब आपको इसको जैसे पैकिंग जो इसमें जो नमकीन डालते हैं प्रोडक्ट जो डालते हैं तो उसमें किस प्रकार से दिखाई देगी तो ये जब हम इसमें प्रोडक्ट डालेंगे तो ये हमारे को कम्प्लीटली तैयार प्रोसेसिंग होकर ऐसे दिखाई देगी। तो ये हमारी नमकीन कि जो पैकेजिंग है जो कम्प्लीटली तैयार हो गई। धन्यवाद। यदि आपको डिजाइन अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।